गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 27 मई 2020 आज रियो मोटो में एक तुरंत ही बैंक मेरा लगा दिया है और पहली कैंडल में खुलने के वक्त ही मैंने मार दिया है। इसका वजह क्या है वो तो मैं अंत में बताऊंगा, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहे तो जान पाएंगे कि इसमें ट्रेड क्यों लिया है। तो हम वेट करेंगे कि ये कितना दूर जा सके। हालांकि मुझे तो इस यहाँ पर मतलब 2160 के आसपास टारगेट दे देना है, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब इसी कैंडल का थोड़ा सा आगे, मतलब पहले कैंडल जो है वो 215 तक गया था और निकलने का टाइम नहीं मिला, मतलब 5 मिनट अभी थोड़ा बाकी है और 5 मिनट थोड़ा जाएगा तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो हम लॉस भी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको एक मतलब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा शायद, देखते हैं क्या होता है। मार्केट भी आज पॉजिटिव है तो वेट करेंगे हम कि क्या होता है, देखेंगे। और एक तो मेरे रडार में है एक्सिस बैंक, तो उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक्सिस बैंक को भी हम चेक करने के लिए, देखिए इसके नीचे क्लोज होने के कारण अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, अगर इसका ऊपर क्लोज हो तो और भी अच्छा होगा। अगर इसका जो पहला कंडल है ये अगर तो ऊपर चला जाए तो बेहतर होगा। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, कहीं कहीं पता होने वाला ही है। बस खत्म हो गया है, बस हो गया खत्म, ऊपर ही क्लोज हुआ है इस कैंडल के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर। तो हम वेट करेंगे, देखिए कितना बात दिखा रहा था, हाँ आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम मेरा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर यहाँ तक आएगा, मतलब लगभग पाल का जो लो था उसी के बराबर यहाँ से बाउंस बैक किया था। वेट करेंगे क्या होता है, तो थोड़ी देर में हम मिलते हैं अपडेट लेकर। तो अगर मैं बंद ही एयर ये बंद ही कर दूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आया है। और एक बात जरूरी सूचना है कि इस चैनल कम्प्लीटली न्यू ट्रेडर्स के लिए है और जो एक्सपर्ट ज्ञानी लोग हैं वो लोग कृपया इस वीडियो और इस चैनल से दूर ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट लोगों के लिए ये चैनल नहीं बनाया। मैं अपना अनुभव इतने दिनों का मैं अपने चैनल में शेयर करता हूँ और इसी प्रकार लिंक वगैरह कुछ शेयर नहीं करता कि इसमें ऐड हो जाओ, ये पेड सर्विस है, ऐसा कुछ हम बोलते नहीं हैं। कि आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग देखेंगे, देख सकेंगे, जो नए वो लोग भी देख सकेंगे, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता है। मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर करता हूँ ताकि मुझे जो प्रॉब्लम आए थे जब हम इसमें नए थे तो उसी कारण उसी अनुभव के वजह से मैं ये चैनल क्रिएट किया, ताकि ये लोग जो है वो लोग अपना ट्रेडिंग लाइफ शुरुआती करें अच्छी तरह से। तो देखते हैं क्या होता है और एक्सिस बैंक को भी हम चेक करेंगे क्या होता है। दोस्तों मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि ये नीचे आ जाएगा, तो हम इसी कंट्री को देखेंगे, उसके बाद हम डिवीजन देखेंगे कि निकल जाए या रह जाए। देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट भी ऐसा ही मूव कर रहा है, ऊपर खुलने के बाद नीचे चला आ रहा है, बहुत ही मतलब जोर से नीचे आ रहा है। तो हम वेट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, ये तो नीचे ही आ रहा है, देखने में थोड़ा देर हो गया है, ठीक है वेट करेंगे देखने में क्या होता है। लेकिन मैं इस कंडल के बाद शायद निकल गया, इसी में भलाई होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा भी देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है,
देखिए 5 से 5 चल रहा है, क्योंकि हम इसमें अभी तक स्टॉपर्स भी नहीं डाला है। मुझे लगता है कि ये 2160 तक जा सकता है, लेकिन अगर नहीं गया तो छोट मोट का परेशानी आ जाएगा, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होना नहीं देना चाहिए। और एक्चुअली इंट्राडे में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम में काम करना पड़ता है, ये आप लोगों भी ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या होता है, इसके मिल के बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए। बस स्कैंडल खत्म होने वाला है, बस खत्म हो गया और थर्ड कैंडल चालू हो गया है। ये ऊपर नहीं, इसको हम नहीं कर देना है, ज़्यादा सामने लेकिन 10,000 लगभग प्रॉफिट आ गए हैं, बस ठीक है। तो देखिए क्यों इसमें ट्रेड लिया है, हो सकता है ये ऊपर जैसा था लेकिन मार्केट ठीक ठाक नहीं लग रहा है, हो सकता है साइड वेज भी हो गया। क्यों लिया इसमें, पहली बात है कि ये 100 EMA के ऊपर खुला है, और मतलब प्री ओपन में मैंने देखा कि ये 100 EMA के ऊपर खुल रहा है, इसीलिए मैंने ओपन होते ही इसमें ऑर्डर डाल दिया था। और मुझे 2160 तक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन वो 2158 तक जाके हो लौट के आया। एक्चुअली इसे स्कैल्पिंग कहते हैं बीसीबीसी में, कि इसमें तुरंत ट्रेड लेना है और तुरंत ही निकल जाना है, तो ये भी एक कला है। अगर ये आप लोगों को बस में आ जाए तो बहुत ही मुनाफा और थोड़ी टाइम में मिल जाता है, लेकिन ऐसा पहले दिन से अगर करेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कौन सा आप लोग को सूट कर रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी, तो एक एक करके उसमें माइंड हो जाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए नीचे आ रहा है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं सीखा पा रहा हूँ। अगर कुछ सीखा पा रहा हूँ तो मेरा जो मेहनत वो ठीक ठाक लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।